हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्लाजो पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, प्लाजो पैंट का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं बस इसमें आपको प्लाजो पैंट में पॉकेट लगाना बताऊंगी। तो उसके लिए पहले क्या करना होता है, पहले फ्रंट वाले पार्ट के आसन में सिलाई लगा लेंगे। अब उसके बाद हम पॉकेट कट करेंगे। तो डबल फोल्ड मतलब कपड़ा होना चाहिए, जो आपका फैब्रिक है उसे आप डबल फोल्ड कर लें। और उसकी जो लंबाई लेंगे हम, लेंथ वो 12 इंच लेंगे। इस तरह से इसकी लंबाई 12 इंच है और हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट कर लेंगे। और एक साइड से हमें सारे 6 इंच पे निशान लगाना है और एक साइड पे हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से तिरछा में हमें एक निशान लगा लेना है। और जिस तरफ से हमारा 6.5 इंच है उस तरफ से हमें इस तरह से गोलाई दे देना है और उस गोलाई को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, और जिस तरफ से हमने गोलाई को कट किया है उसी तरफ से हम एक सिलाई भी लगा देंगे। ये पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से लगाने में, और बहुत ही जल्दी ये पॉकेट लग भी जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जिस पे हमने सिलाई लगाई थी उसको सीधा करके उसके बाद सीधे की तरफ से भी एक सिलाई लगा ले हम, ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छे से आए। तो देखिए लग चुका है हमारा। उसके बाद हम पैंट में ऊपर से 3 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम एक निशान ड्रॉ कर देंगे। देखिए, और जो गोलाई वाला हिस्सा है हमारा वो हमारा नीचे रहेगा, और पॉकेट को भी हम सीधा कर लेंगे। पॉकेट में हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, आप देख सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन मैंने लिया है पॉकेट में, और बिल्कुल 6 इंच पे इस पर भी हम एक निशान ड्रॉ कर देंगे। और जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी तरह से हमें सिलाई लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये पॉकेट बनाने का, तो आप जरूर ट्राई करिएगा और मिनटों में बन भी जाता है। तो देखिए हमारा सिलाई लग चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये निकल के आएगा। और इसमें हम कटिंग लगा देंगे, उसके बाद हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पॉकेट को सीधा करेंगे और नेल के हेल्प से स्क्रैच लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग से हमारा निकल जाए। और जिस तरह से पहले हमने सिलाई लगाया था उसी तरह से फिर हम लगा लेंगे, ताकि हमारा पॉकेट अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने सिलाई भी लगा ली हूँ। उसके बाद हम पॉकेट को अच्छे से पकड़ के दोनों तीनों फैब्रिक के साथ अच्छे से मैं इसे सेट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से पैंट के साथ मैं इसे सेट करूंगी, और उसके बाद हमें एक ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम दोनों पार्ट को अटैच करेंगे तो हमारा पॉकेट खिसके नहीं, तो इसलिए हम इसे पहले ही अच्छे से सेट कर देंगे। जब हम दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमारा पॉकेट बन चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है आपको। उल्टे साइड से भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ आया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।